नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। करंट अफेयर्स 20 जून 2018 के महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आप इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा। और इस टॉपिक में उन्हीं पॉइंट को लिया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए केंद्र सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। वो कंपनी है गूगल। गूगल के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है जो बाढ़ के पूर्वानुमान के बारे में सरकार को, मतलब संस्था को, पहले ही बता देगा। और गूगल की अगर हम बात करें तो इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई, और गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में, कैलिफोर्निया यूएसए में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के सीओओ, ना कि सीईओ, सीओओ यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संदीप बख्शी को, संदीप बख्शी। अब आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, जून 1994 में, और इस आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं चंदा कोचर। आइए नेक्स्ट पॉइंट, विश्व रेगिस्तान और सूखा रोकथाम दिवस की थीम क्या है। इसकी थीम है लैंड हैज़ ट्रू वैल्यू इन्वेस्ट इन इट, लैंड हैज़ ट्रू वैल्यू इन्वेस्ट इन इट। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में FPI के लिए बॉन्ड में निवेश के नियमों को उदार किया है किस बैंक ने, वो है RBI, RBI ने किया है। और RBI के गवर्नर हैं इस समय उर्जित आर पटेल, उर्जित आर पटेल, जो कि 24वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एथेंस में आयोजित इंडिया ग्रीस बिजनेस फॉरम की अध्यक्षता किसने की, यह है रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रसिद्ध मिमिक्री कलाकार नरेला वेणु माधव का निधन हो गया है, वह किस राज्य से थे, वे तेलंगाना राज्य से थे। ये इम्पोर्टेंट है, किस, ये ज़रूर पूछेगा कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट, इरडा ने विपणन फर्मों के मानदंडों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है, वो है सुरेश माथुर, सुरेश माथुर की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है। अब इरडा शब्द आता है, आपने सुना होगा कई बार, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इरडा, इरडा का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खतुया, सुभाष चंद्र खतुया। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो है जम्मू कश्मीर, महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया है। इनकी पार्टी का नाम था PDP, भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, इसलिए इनकी गवर्नमेंट गिर गई है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में काइंगा जनरेटिंग सिस्टम ने निरंतर संचालन का नया रिकॉर्ड बनाया है, और यह किस राज्य में है, ये कर्नाटक राज्य में है, और इसने 766 दिन का निर्बाध्य रिकॉर्ड बनाया है, पहले ये रिकॉर्ड 765 दिन का था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री होर्गे रेमेस लेनिकोव ने इस्तीफा दे दिया है, वो है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य ने सस्ते उपचार के लिए कैंसर केयर फाउंडेशन शुरू करने का निर्णय लिया है, वह राज्य है असम, असम राज्य ने कैंसर के उपचार को सस्ता करने के लिए कदम उठाया है, कैंसर केयर फाउंडेशन की स्थापना की है, इसके तहत कैंसर का उपचार बहुत सस्ता हो जाएगा। अशोक दलवई कमेटी की स्थापना किसने की है, किस लिए की गई है, अशोक दलवई कमेटी की का संबंध किस क्षेत्र से है,
तो उसका संबंध किसानों की आय दोगुना करने से है, किसानों की आय को दोगुना करने से है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो ने कितने सार्वजनिक प्रबंधकों को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है? वो है 22। और अध्यक्ष कौन है BBB यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा देश एंटी डोपिंग पर 2018 एशिया और ओडिशनिया क्षेत्र के अंतर सरकारी मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है? वह है श्रीलंका। श्रीलंका। लास्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे बांग्लादेश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? वह है लेफ्टिनेंट जनरल अजीज अहमद। अजीज अहमद को बांग्लादेश का आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। आज ये 20 जून के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, उन्हें आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।